Hi everyone. Today we are going to study first chapter of class 6 civics, which is now polity of Ncert. Isme pehla chapter hai preparing for civic life. To hum civic life padhenge aur iske ird gird ki aur baatein padhenge. Mukhya baatein ye hai ki hum pehle हमारी जरूरतें कम थी, नीड्स कम थे और अब जरूरतें बढ़ गई हैं, इसलिए हमारी इंटरडिपेंडेंसी आपस में बढ़ गई है और इसी प्रकार से अन्य बातें हैं जिसको हम पढ़ेंगे. इसमें हम शुरुआत करते हैं, जैसे अगर किसी को इंडियंस बोलते हैं या किसी को जापानीज बोलते हैं, किसी को चाइनीज बोलते हैं, इसका अर्थ होता है इंडियंस मीन्स इंडिया का रहने वाला इंडियन सिटीजन, जापानीज मीन्स जापान का रहने वाला और चाइनीज मीन्स चाइना का रहने वाला. ये शुरुआत लाइनों में इस चैप्टर के कहा गया है, ये आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. इसी तरीके से आगे कहा गया है लाइफ डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन. तो इसमें है क्या, आप इस बात को समझिए, जो पहले के लोग होते थे उनकी नीड्स बहुत कम होती थी, उनकी जरूरतें कम होती थी. तो उनकी उनकी मेजर जरूरत क्या होती थी, उनकी फूड जरूरत होती थी, कपड़े जरूरत होते थे और घर की जरूरत होती थी. फूड के लिए वो खेती करके खा लेते थे, कपड़े वो पत्ते वगैरह पहन के भी रह लेते थे और घर वो कच्चे जो सूखी लकड़ियां होती थी जंगल से उसको ले आके उससे घर बना लेते थे. तो पहले के जमाने में रिक्वायरमेंट कम थी, नीड कम थी, इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट होते थे. लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, लोगों की नीड बढ़ते गई, रिक्वायरमेंट बढ़ते गई. आज के डेट में सिर्फ उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है. आज के डेट में आप देखिए, आपको पानी पीना है तो आप नहर और नदी में नहीं जाएंगे पानी पीने, आप क्या करेंगे, आपके घर में नल आया होगा, उससे आप पानी पिएंगे. वो नल यहाँ तक आने में कितने लोगों का उसमें वर्क इंक्लूड है, म्यूनिसपैलिटी के थ्रू पाइप आया है, तो वो चीज देख लीजिए. इसी तरीके से आज के डेट में आपको घर बनाना है तो आपको ब्रिक चाहिए, सीमेंट चाहिए, अन्य चीजें चाहिए. तो आज के डेट में आपकी जरूरतें बढ़ गई हैं और जिस तरीके से जरूरतें बढ़ गई हैं, आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. तो ऐसी सिचुएशन में हम आज इंटरडिपेंडेंट लोग हो गए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं किसी भी चीज के लिए. इसी तरीके से अब आज की जरूरतें सिर्फ उतनी नहीं है, फूड एंड शेल्टर तक नहीं है, आज की जरूरतें आपकी बढ़ गई हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर और रिक्रिएशनल चीजों के लिए. तो और आप देखिए, आज आपके पास रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, अनदर और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें कितने लोग लगे हुए हैं जिनके माध्यम से आपको मदद मिल रही है. तो ये कह रहा है लाइफ डिपेंड्स ऑन सिविक लाइफ, मतलब लाइफ अब आपस में लोगों पे डिपेंड करता है, इसका अर्थ यह है. अब अगर हम एक जगह रहते हैं जहां और काफी लोग रहते हैं तो वहां कुछ रूल्स होते हैं ताकि हम एक साथ अच्छे से रह सकें, तो वो यहाँ पे कहा गया है रूल्स फॉर लिविंग टुगेदर. अब रूल्स फॉर लिविंग टुगेदर में इनिशियली हम बात करते हैं, जब हम लिविंग टुगेदर बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसके साथ रहते हैं. जब बच्चा जन्म होता है तो वो फैमिली में जन्म होता है, मतलब माता पिता भाई बहन, ये तो वो एक फैमिली बनी. उसके बाद वो कहाँ जाता है फैमिली से, फिर वो एक सोसाइटी का पार्ट होता है, मतलब सोसाइटी में अन्य ढेर सारी फैमिलीज और इसी तरीके से वहाँ अदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं सोसाइटी में, और इस तरीके से वो सोसाइटी हो जाती है. लेकिन ये एक ऐसा पार्ट होता है कि बच्चे के जन्म लेते ही वो उसको पता भी नहीं होता और वो एक फैमिली का पार्ट होता है. जैसे आप सांस लेते हैं तो आपको नहीं पता होता कि यू आर टेकिंग यू आर ब्रीथिंग राइट, तो लेकिन वो अनकॉन्शियसली हो रहा है बिकॉज दैट इज अ प्रोसेस स्टेबलाइज. तो इसी तरीके से फैमिली बिकेम अ प्रोसेस स्टेबलाइज और उसमें वो बच्चा रह लेता है, फिर सोसाइटी भी ऐसे ही हो जाता है उसके लिए, तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसेस हो जाता है. इसी तरीके से इस सोसाइटी का जो पार्ट होता है, इर्द गिर्द में आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें स्कूल भी होती है. तो बच्चा फैमिली से जब स्कूल जाता है, उसके पहले बच्चे की फैमिली में, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, फैमिली की यूनिट माँ बाप भाई बहन, तो ये लोग जो होते हैं एक बच्चे के लिए डिसाइड करते हैं, एक फैमिली में डिसाइड करते हैं कि वो किस स्कूल में पढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये पेरेंट्स करते हैं मोस्टली. और जो बच्चे होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो पेरेंट्स की चीजों में या फैमिली की चीजों में पार्टिसिपेट करें. और
इंटरेस्ट दिखाएं जो भी चीजें हो रही है एटलीस्ट। उसके बाद कहीं अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो अपने भाई बहन की हेल्प करनी चाहिए और पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, ये उनकी फैमिली में ड्यूटी है। इसी तरीके से आप फैमिली से बाहर, आपके बगल में कोई फैमिली है, आप उनको अंकल आंटी बोलते हैं, उनके बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी का डेथ हो गया तो डेथ सेरेमनी में भी जाते हैं, तो आप जॉय एंड सोरो के जो टाइम्स हैं उसमें भी आप फैमिलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब ये आप करते हैं अपनी फैमिली से बाहर दूसरी फैमिलीज में और सोसाइटी में, तो इसको एक सिविक लाइफ बोलते हैं। दैट मीन्स यू जस्ट डोंट हैव अ फैमिली लाइफ, यू हैव अ सिविक लाइफ ऑल्सो। ये आपको क्लियर हो गया होगा सिविक लाइफ का क्या अर्थ है। अब आते हैं द स्कूल एंड सिविक लाइफ। स्कूल क्या है? स्कूल एक फिर से जगह है जहां आप होते हैं, आपके अलावा टीचर्स होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जहां पे आपसे ज्यादा लोग होते हैं वो एक सिविक लाइफ का एक पार्ट हो गया। और इसी तरीके से जहां इतने लोग हैं इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो स्कूलों में आप देखेंगे देर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो, आपको वो करने हैं, आपको ड्रेस में आना है, आपको टाइम पे आना है, आपको असाइनमेंट पूरी करनी है। और ये किस लिए होता है? ये आपके अच्छे के लिए होता है। आप नहीं अगर ड्रेस में आते हैं, दूसरे बच्चे ड्रेस में आएंगे तो एक अच्छी चीज नहीं दिखेगी। आप टाइम पे नहीं आएंगे तो आपकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं होगी, आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो स्कूल जाने का क्या मतलब, आप पढ़ ही नहीं रहे। तो ऑल थिंग्स आर फॉर योर गुड, बट रूल इज मेड टू रेगुलेट द थिंग्स। तो आपकी कुछ ड्यूटी बनती है यहाँ स्कूल में, वो ड्यूटीज क्या है? आपको उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, पहली ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी, आपको अपने टीचर्स को और वहां अवेलेबल दूसरे लोगों को उनके काम में मदद करनी चाहिए। मतलब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं आपको पढ़ाना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। दैट इज देयर जॉब टू टीच यू, एंड इफ यू स्टडी प्रॉपरली एंड कॉन्सेंट्रेट तो यू आर हेल्पिंग देम। थर्ड थिंग, स्कूल में एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसी एक्टिविटीज? जैसे आप स्पोर्ट्स खेलने में एबल हैं, आपको अच्छा लगता है, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको डांसिंग अच्छा लगता है, डांसिंग पार्टिसिपेट कीजिए। सो सिमिलरली आपको पार्टिसिपेट भी करनी चाहिए। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है स्कूल की लाइफ में। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, विलेज सिटी एंड सिविक लाइफ है। अब विलेज सिटी और सिविक लाइफ क्या है? जैसे आप अपने विलेज में या शहर में रहते हैं तो आप समझिए आप और अन्य फैमिलीज भी रह रही हैं। वहां कई सारी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे रोड है, लाइट है, हेल्थ है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इन सभी चीजों को करने के लिए आखिर में कौन करेगा? तो आप सभी लोग मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं बाई वोटिंग प्रोसीजर। तो क्या होता है, जब वो गवर्नमेंट बनती है तो वो लोकल बॉडीज होती हैं, वो आपके रोड का ख्याल रखती हैं, आपकी लाइट का ख्याल रखती हैं, आपके एरिया में गंदगी की क्लीनलीनेस हो। आप देखेंगे आपके म्यूनसिपैलिटी एरिया का क्लीनर आता होगा क्लीनिंग करने के लिए, आपको पानी की सप्लाई मिल रही है, इन सब चीजों के लिए आपने गवर्नमेंट फॉर्म की है। तो वो गवर्नमेंट अपनी काम करती है, लेकिन बींग अ पर्सन ऑफ सिविक लाइफ आपका क्या काम है? आपका ये काम है यहाँ भी कि आप उन चीजों में पार्टिसिपेट कीजिए। गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो आपको वोट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप हेल्प कीजिए अपनी, आप ये मत सोचिए कि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का है। अगर आप कूड़े रोडों पे देख रहे हैं, आप फेंकते जा रहे हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं आप? आज 9 बजे क्लीनिंग करके गया, आप अगले 9 बजे तक आप गंदगी मचाए हुए हैं। तो आप अगर वो आप ही को खराब, आप ही का एरिया गंदा करके रखा, अगर आप क्लीन रखेंगे, आप एक जगह कूड़ा फेंकिए तो आपका एरिया क्लीन है उतने देर, सुबह वो एक जगह से कूड़ा कूड़ा उठाने वाला उठा लेगा, तो उसकी भी हेल्प हो गई, आपका एरिया भी क्लीन रहा। तो ये आपका रोल है सिविक लाइफ में। इस तरीके से जो है आप अपने फैमिली के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने गांव और शहर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक सिविक लाइफ के अंदर जीते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप रूल्स को फॉलो करते हैं और आप लोगों को हेल्प करते हैं, तो आपका काफी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है यहाँ पे और आप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एक सिविक लाइफ के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस ऑडियो एंड वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज क्लिक ऑन लाइक, एंड टू हैव मोर सच वीडियोज ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स please click on subscribe so you can see the regular updates. Thank you very much again for watching. Have a great day. Bye-bye.